दूर नहीं है, बस थोड़ा बजरंगबली का मंदिर ये देख लीजिए, वहाँ देखिए वो वहाँ पे भी हम जाने वाले हैं, वहाँ पिकनिक स्पॉट। दोस्तों यही है मंदिर जो आप देख रहे हैं, जो देख रहे हैं ये पहाड़ी मकड़ा है, पानी नदी है, बहुत अच्छा दृश्य है। वहाँ देखते हैं वाटरफॉल को अभी। आज मेरे नहीं नहाए हैं, वो जानते थे वो कि यहाँ पे वाटरफॉल है, झरना है, तो ये अभी नहीं नहाए। और हम पहले जो है ना इस टाइप से था, बड़ा छोटा मछली है इस तरह से आपको। देख सकते पैर पे वो धंस रही है। हेलो दोस्तों, फिर से नए एक वीडियो में आपका स्वागत है। तो अभी हम नेपाल में ही हैं और अभी हम जा रहे हैं भाड़ा पानी घूमने के लिए जो पहाड़ पे है, तो वहाँ अभी हम जाएंगे। हमारा बाइक रेडी हो चुका है और अपने जीजा जी के बाइक से जाएंगे, नेपाली नंबर बाइक है। तो चलिए यात्रा को एंजॉय करते हैं, भाड़ा पानी को देखेंगे अभी। बाइक में तेल ख़त्म हो चुका था, तो इसलिए अभी हम जो है यहाँ पे तेल भरवा रहे हैं। वो वाला जो पहाड़ दिखाई दे रहा वही जाना है? कितना किलोमीटर है वो? 30 किलोमीटर है ऊपर से। नदी का नाम क्या है? वहाँ ध्यान नहीं दी। यही रास्ता हम लोग घुसे, यही रास्ता। अब जो रोड छोड़े अपना लोग कहाँ जा रहे उधर? दोस्तों फाइनली हम लोग जो है धारा पानी पहुंच गए हैं और यहां से आप देख सकते हैं सीढ़ी पर चढ़ेंगे ऊपर, तो मैं आपको सारा नज़ारा यहां दिखाने वाला हूं। दूर नहीं है, बस थोड़ा दूर ही है, ये देख सकते हैं पहाड़ पे हैं एकदम। पिकनिक का स्थल है, यहां पे आप लोग पिकनिक करने के लिए भी आ सकते हैं, घूमने के लिए भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मंदिर जाएँगे, इसके बाद नीचे नदी में जाएँगे, देख सकते हैं पहाड़ का दृश्य। इस वक्त अभी हम आपको ये नेपाल से दिखा रहे हैं बजरंगबली का मंदिर, ये देख लीजिए। जय श्री राम। पहले किधर जाना? इधर। तो अभी हम हनुमान जी के चरणों में हैं, देख सकते हैं आप लोग। और मेरे पीछे जो है बैक साइड पहाड़ ही पहाड़ है, देख लीजिए, और बीच में नदी है। तो अब हम फिर से ऊपर हम चढ़ने वाले हैं इसी सीढ़ी पे, तो देख लीजिए वो, देखिए नज़ारा नीचे का, वहाँ देखिए वो, वहाँ पे भी हम जाने वाले हैं, वहाँ पिकनिक स्पॉट है। तो मंदिर चलिए पहले, तो पहले हम माता रानी का दर्शन करेंगे यहाँ पे, उसके बाद जो है हम आपको दिखाएंगे नीचे का नज़ारा, देख लीजिए। अभी हम फाइनली मंदिर पहुँच गए हैं, तो हम आपको मंदिर ले चलते हैं, आप देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, यहाँ पर आप आ सकते हैं और घूम सकते हैं, बहुत ही अच्छा। यहाँ देख लीजिए वो मेरे पीछे, देखिए पहाड़ अमेजिंग, देखने को बहुत अच्छा मिलेगा यहाँ पे। तो अभी हम मंदिर पहुँच गए हैं, तो चलिए मैं आपको मंदिर भी दिखाता हूँ और माता रानी का दर्शन भी करवाता हूँ। दोस्तों यही है मंदिर जो आप देख रहे हैं, और नीचे वहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं पहाड़ है, वहाँ पिकनिक स्पॉट है, तो वहाँ भी हम ले कर चलेंगे आपको, वहाँ भी आप देखिएगा। तो मंदिर के अभी हम गर्भगृह में हैं, आप लोग देख लीजिए। तो फाइनली अभी हम जो है मंदिर में दर्शन कर लिए हैं, शनि देव का मंदिर है, यहाँ पे भगवान
भोले जी का भी यहाँ पे मूर्ति हमको शिवलिंग देखने को मिला तो देख लिए हैं। तो अभी मेरे बैक साइड वो जो देख रहे हैं जितना भी पहाड़ ही पहाड़ है, कितना अच्छा नज़ारा है। तो यहाँ बिहार से आप आ सकते हैं, तो आने के लिए सबसे पहली बात है कि आपको सबसे पहले बीरपुर आना पड़ेगा, उसके बाद भीमनगर, उसके बाद जो है आप यहाँ पे कोसी टपने के बाद, जैसे बैरेज है, कोसी बैरेज टपने के बाद अगर जो भी इंडियंस है वो भंसार कटा के यहाँ पे आ सकता है। कंचनपुर के बगल में ही है ये जगह, देख लीजिए वो बहुत ही अच्छा दृश्य है, आप लोग देख लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी इसी तरह का जो भी वीडियो होगा हम आपको लेके आएंगे आपके लिए। जो देख रहे हैं पहाड़ी मकड़ा है, और ये मेरा जूता में घुस गया था, तो आप लोग अगर यहाँ आना चाहते हैं तो ये मकड़ा और बिच्छू से थोड़ा बच के रहिएगा। वो देख लीजिए बहुत ही अच्छा दृश्य है, वहाँ भी आपको हम लेके चलेंगे, पिकनिक स्पॉट है, वहाँ देख सकते हैं आप। बहुत ही सुंदर नज़ारा, चलो अब नीचे। हाँ नीचे जा रहे हैं, देखिए वहाँ पे आप लोग अगर आ सकते हैं तो यहाँ पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पिकनिक भी मना सकते हैं। तो मेरे नीचे अभी हम वहाँ भी आपको जाके दिखाऊंगा, वहाँ पे देख लीजिए नीचे में धारा पानी, यही है धारा पानी नदी है, बहुत ही अच्छा दृश्य है, देख लीजिए यहाँ मंदिर है। बाइक जो है वो नीचे है, तो हम अभी नीचे जा रहे हैं बाइक के पास, फिर बाइक से आपको हम नीचे वो नदी दिखाएंगे, देख लीजिए। तो नीचे फाइनली उतर रहे हैं, हम फाइनली नीचे उतर रहे हैं। तो आप लोग अगर यहाँ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन जूता वगैरह पहन के आइएगा, क्योंकि बिच्छू सब जो है यहाँ पे जूता में घुस गया था, और मकड़ा भी जो था वो पहाड़ी मकड़ा होता है, ख़तरनाक होता है। तो ये बजरंगबली का सबसे बड़ी मूर्ति है यहाँ का, देख लीजिए आप लोग, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है दोस्तों धारा पानी, ये नदी का भी नाम है और जगह का भी नाम है, नदी है धारा पानी, देख सकते हैं। नाच रे पतर के नागिन जैसन, वहां से जा सकते हैं बिना, वहां पुल्ला बना हुआ छोटा सा, देख सकते हैं ये नदी है। वहाँ पहले पुल था, वहाँ पानी कंट्रोल करने वाला है, तो अभी हम जाएंगे इस साइड जाएंगे, वहाँ देखते हैं वाटरफॉल को, अभी वाटरफॉल एंजॉय करेंगे। नहाने के लिए इसीलिए तो नहीं नहा रहे थे, इसीलिए नहीं नहा रहे थे, तो हमको काहे बोले फिर आज मेरे नहीं नहाए हैं, वो जानते थे वो कि यहाँ पे वाटरफॉल है, झरना है, तो ये अभी नहीं नहाए और हमको नहला दिए घर पे भी, और फिर बोलते यहाँ भी नहाने के लिए। वहाँ पिकनिक स्पॉट है, अभी हम इस साइड जा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं वाटरफॉल है वहाँ पे, अब देखते हैं कितना पानी है वहाँ पे, क्योंकि अभी पहाड़ में तो बर्फ जम चुकी है। वहाँ से अभी हम आए, मेरे हम बाइक को वहाँ पे रख दिए हैं। इस तरह से आता था ना वाटरफॉल की तरह आता था, तो अभी पहाड़ में जो बर्फ जमा हो गया है इस कारण से लगता है पानी नया बनाया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, इसका इसका पहले पानी साइड से आता था, बर्फ जमने के कारण जो है पानी का मात्रा यहाँ कम हो चुका है। ये कहाँ जाता था, ये सीरीज लॉक है, ये पानी आता था, इसी ओर का पानी आता था, अभी पानी आ रहा है, अभी पानी आता था, यहाँ से ऊपर चढ़ने वाला रास्ता था। हाँ बना ले, सच में बोलिए ले, बना लीजिए, नहाइए नहाइए। यहाँ पे जो अभी नहा रहे हैं, अभी देख रहे हैं हम भी, मन करेगा तो नहा लेंगे, नहीं तो नहीं नहाएंगे। तो पीछे का वो दृश्य देखिए आप लोग, धूप बहुत ही तेज़, क्योंकि हाइट पे हैं तो धूप तेज़ रहेगी ही ना। पहले जो है ना इस टाइप से था बना हुआ, यहाँ पे देखिए इधर से ही पानी निकलता था, लेकिन
वो जो है बर्फ़ जमने के कारण जो हाइट पे है बर्फ़ जम गया, इसीलिए जो है पानी का भी मात्रा थोड़ा कम, पानी की मात्रा कम निकल रहा है यहाँ पे कच्चे इस तरह से। यही था पानी का मुख्य, यहाँ से झरना की तरह ऊपर से वाटरफॉल, ये तो वाटरफॉल ही है तो यहाँ से ऐसे पानी गिरती थी ऐसे, लेकिन अभी फिलहाल वो बंद कर दिया गया है और आगे जो है ग्लेशियर जमने के कारण, बर्फ़ जमने के कारण पानी अभी इस टाइप से निकल रहा है, यहाँ देख सकते हैं। वहाँ तो गाड़ी, वहाँ देख रहे गाड़ी भी जा रहा है वहाँ पे, बाइक अंदर तक हमको लगा नहीं धस जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा नज़ारा है देखने को मिलेगा। यहाँ पे पानी को कंट्रोल करने के लिए छोटा सा डैम बना दिया गया है यहाँ पे। ये लड़का मछली पकड़ रहा है, स्लोपिंग है यहाँ पे तो थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। ये देखिए, ये मछली देखिए कितना छोटा छोटा मछली है यहाँ, देख लीजिए आप, मछली बहुत छोटा छोटा मछली है। तो इस तरह से आपको ढेर सारा मछली देखने को मिलेगा। मछली पकड़ रहा है क्या, इतना छोटा मछली है, अभी पकड़ा है क्या इसको, अभी पकड़ा है नहीं। तो ये पानी में मछली भी आपको देखने को मिलेगा इस तरह से, बहुत छोटा छोटा है। तो चलिए हम अभी वहाँ जा रहे हैं, ओ तेरी के यहाँ देखिए मछली छोटा छोटा, बहुत छोटा मछली है, इस तरह का मछली आपको देखने को बहुत मिलेगा। यहाँ देख लीजिए कहाँ पे, नीचे देखो, जाते रहो ना उधर, देखो कितना है, बहुत सारा है मछली, यहाँ देख लीजिए। ओए तो ये नदी का धारा जो है या नदी का पानी इस साइड से आती है और ऐसे निकलती है, ये लोग लोकल बच्चा है यहाँ पे मछली पकड़ रहा है। वहाँ जो देख रहे हैं आप लोग, वहाँ पिकनिक मना रहा है, तो अभी हम वहाँ चलते हैं और थोड़ा फिर पानी में आ गए थे क्योंकि पैर मेरा पकने लगा था। चलिए उधर आते हैं, चट्टान हार्ड है, पैर मोड़ना पड़ेगा। बहुत अच्छा दिल से आप लोग देख सकते हैं, बहुत घूमने वाला जगह है और हमारे पीछे जो है पिकनिक स्पॉट है, वहाँ पिकनिक बना सकते हैं आप लोग आके। वो देखिए बहुत ही वो क्या है कि लैंडस्लाइड हुआ है, सीधा है बारिश के समय में। तो अभी हम हाइट पे हैं तो इसलिए हमें ज़्यादा गर्मी लग रही है, सन सीधे 12 बजे का टाइम है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पानी में घूम के गिरा है तो गुड़गुड़ा हो जाता है। तो आगे भी मतलब बहुत सारा स्थान है घूमने वाला, तो देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा जगह है, लोकल में घूमने के लिए बहुत ही फेमस जगह है ये, पिकनिक स्पॉट भी है यहाँ पे। मेरे बैक साइड जो देख रहे हैं आप, वो पिकनिक स्पॉट सब है जो वहाँ अपने अपने सब लेके आता है। देख लीजिए पहाड़ में बकरी चरा रही है, ये अपने बकरी को लेकर जाएगी जंगल में।
हम वहाँ गए थे, वहाँ जो ऊपर से आपको शनि का मंदिर दिखाए हैं वहाँ गए थे, तो अभी हम नीचे हैं। जहाँ पे साउंड जो है बज रही है तो इसलिए आवाज़ थोड़ा फ्रेश नहीं आता होगा। तो हम चल रहे हैं अपने बाइक की ओर प्रस्थान करने के लिए। अभी पानी में ही चल रहे हैं, देख सकते हैं पानी बहुत ही कम है यहाँ पे अभी, क्योंकि बरसात के समय ये जो है इतना भरा हुआ रहता है, बरसात के समय में यहाँ तक भरा हुआ रहता है ये पूरे। पानी का खासियत ये है कि यहाँ पे जैसे मिट्टी है, जैसे जो मिट्टी से हम घर मकान बनाते हैं वही मिट्टी है, और इसके नीचे पैर रखने के बाद जो है पैर जो है वो धंस जाती है, देख सकते हैं पैर जो वो धंस रही है। कैसा लग रहा है यहाँ क्या जी है? क्या घर नेपाल ही है और यही हमको यहाँ पे लेके आए हैं, ये भी इंजॉय कर रहे हैं खूब। ये चट्टान जो आप देख रहे हैं बहुत ही हार्ड है, बहुत ही हार्ड है ये, और ये इसमें देखिए आप ये कुछ आपको घुरघुरा हुई देखने को मिलेगा। इसमें पर रख रहे हैं, और यहाँ पे जो है मेरा पैर जो है पानी में इतना जो धार यानी कटाव करते हैं वो है मिट्टी को काट के पैर को धंसा रही है, देख लीजिए। चल दिए हैं घर के लिए, तो और हम कोसी बांध की तरफ जाएंगे, तो उसका अलग वीडियो हम बना के देंगे आप लोगों को। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर इसी तरह का आपको वीडियो देखने को मिलेगा।